आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे कैसे बनाए, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे को लिंक कैसे करें। दोस्तों, अगर आपने भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खुलवाया है और आपको पता नहीं है फोन पे कैसे बनाया जाता है, फोन पे कैसे लिंक किया जाता है, फोन पे हम कैसे चला सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से, तो फिर इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर प्ले स्टोर से फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे जो है रजिस्टर कर लेना है। उसका दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। अब यहाँ पे फोन पे का होम पेज आने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक करना है। तो यहाँ पे सिंपली ऊपर के साइड में जो आपको प्रोफाइल वाला आइकन देखने को मिल रहा है, इस पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है व्यू ऑल पेमेंट मेथड, सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ऊपर के साइड में आपको बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। सिंपली मैंने यहाँ पे INDIA, यहाँ पे मैंने इंडिया जैसे लिख दिया। दोस्तों यहाँ पे आप तीसरा नंबर पर देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आ गया। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फ़ोनपे से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक करना चाहते हैं तो आपके इस मोबाइल फ़ोन के अंदर वो वाला नंबर लगा होना चाहिए जिससे आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बना हुआ है, और दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज भी होना चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ पे लिंक होता है। तो मेरे जो है सेम सिम है, मेरे इस मोबाइल फ़ोन के अंदर सिम लगा हुआ है, इसी नंबर पे जो है हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बना हुआ है। सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने पर दोस्तों आपके मोबाइल से एक मैसेज सेंड होगा और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कनेक्ट हो जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेट पिन लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे सेट पिन का ऑप्शन आएगा, सेट UPI पिन। मैंने यहाँ पे पहले से पिन बना रखा है तो यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली दोस्तों आपको सेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो ATM कार्ड होता है उसका लास्ट 6 नंबर और यहाँ पे एक्सपायरी डेट मांगा जाता है। दोस्तों ये आपको कहाँ से मिलेगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली मिनिमाइज कर लेना है और दोस्तों इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन होता है सिंपली आपको ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद दोस्तों आपसे आपका MPIN पूछा जाएगा, तो आपका जो MPIN मिला हुआ है सिंपली आप अपना MPIN डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे MPIN डाल करके लॉगिन कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ पे माई सर्विस के अंदर आपको रुपए कार्ड के अंदर डेबिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ऊपर के साइड में आपको आपका ATM कार्ड देखने को मिल जाएगा और ATM कार्ड के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू कार्ड डिटेल। सिंपली दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों दोबारा से आपको अपना MPIN को डाल देना है। दोस्तों MPIN डालने के बाद सिंपली आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका ATM कार्ड का लास्ट 6 नंबर जो होता है आपको यहाँ पर से नोट कर लेना है और यहाँ पे नीचे के साइड में आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाता है। सिंपली दोस्तों आपको ये जो है नोट कर लेना है और यहाँ पे सिंपली फोन पे में आपको डाल देना है। चलिए यहाँ पे जो हम एक्सपायरी डेट और लास्ट 6 डिजिट नंबर जो है डाल देते हैं। ATM कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर और दोस्तों एक्सपायरी डेट डालने के बाद सिंपली आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा और नीचे के साइड में सेट UPI पिन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है OTP ले लिया, अगर आपका नहीं लेता तो आप यहाँ पे OTP टाइप कर दीजिए। और दोस्तों नीचे के साइड में है सेट UPI पिन। दोस्तों यहाँ पे आपको UPI पिन बनाने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पे आप जो UPI पिन बनाते हैं यही पिन से आपका ट्रांजेक्शन होगा, पैसा आप चेक कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। तो आपको याद भी रखना है और किसी को बताना भी नहीं है। सिंपली आप एक नया UPI पिन यहाँ पे डाल दीजिए और UPI पिन यहाँ पे जैसे आप डाल देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे UPI पिन डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ओके वाले पिन पे क्लिक कर देना है और दोस्तों आपका यहाँ पे UPI पिन भी सेट हो जाएगा। अब दोस्तों फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने जो है पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे हमारा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक शो कर रहा है, कुछ इस प्रकार से आपका भी लिंक हो जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।